गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करेंगे सिल्क मौत के बारे में। हम पढ़ रहे थे सिल्क मौत के बारे में, है ना, रेशम कीट के बारे में, रेशम कीट के बारे में। तो कल इसके बारे में हमने जनरल जो है इन्फॉर्मेशन उनके बारे में बात की। चलिए आज हम पढ़ेंगे इसका लाइफ हिस्ट्री, यानी कि जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, या फिर बात करें लाइफ साइकिल की, है ना, लाइफ साइकिल, जीवन इतिहास, जीवन चक्र, इसके बारे में बात करेंगे कि इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है और कितने कितने टाइम का होता है, कैसे ये अपना जीवन व्यतीत करता है। तो सबसे पहले देखिए, हम जो बात कर रहे हैं मौत, यानी कि हम बात कर रहे हैं एडल्ट की, एडल्ट इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोड कीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है, मौत होता है, ठीक है, मौत होता है। और इसकी जो साइज़ होती है वो क्या होती है, 30 mm, यानी कि फुली ग्रोन जो जो है वेल डेवलप्ड जो मौत होगा इसका, उसका साइज़ क्या होगा, 30 mm। और विंग जो है उसका स्प्रेडेशन, यानी कि विंग का है पंखों का फैलाव जो है वो क्या होगा, 40-50 mm होगा। इसकी जो फीमेल होती है, इसकी जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है मेल से, ठीक है, फीमेल जो होती है वो मेल से बड़ी होती है। इसके बाद देखिए इसके कलर की बात करें तो इसका कलर होता है क्रीमी वाइट, क्रीमी वाइट कलर होता है। और बाईपेक्टिनेट टाइप की इसके अंदर एंटीना होती है, जिसको बोलते हैं द्विकंगाकार, द्विकंगाकार, द्विकंगाकार प्रकार की इसमें क्या होती है, एंटीना होती है। प्लस वन पेयर कंपाउंड आइज होती है, कंपाउंड आइज होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, संयुक्त नेत्र जिसको बोलते हैं। कंपाउंड आइज का मतलब क्या होता है, संयुक्त नेत्र, तो ये होते हैं। इसके बाद देखिए माउथ पार्ट्स की अगर बात करें तो एडल्ट के अंदर माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इसका मतलब क्या है, अक्रियाशील होते हैं, अक्रियाशील होंगे, अक्रियाशील होंगे, इसका मतलब क्या है। अगर बात करें इसके लार्वा या कैटरपिलर की तो उसके अंदर कैसे होते हैं, बाइटिंग और चेविंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, लेकिन एडल्ट जो होता है उसके अंदर माउथ पार्ट्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, अक्रियाशील होते हैं, यानी कि इसका एडल्ट जो है वो किसी भी प्रकार से क्या है, फीड नहीं करता है, फीड नहीं करता है, इसकी वजह से क्या है, भूख से वो एटलीस्ट लास्ट जो है 2 से 7 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है ना। तो एडल्ट के अंदर माउथ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्रियाशील होते हैं। बॉडी जो इसकी होती है वो कवर्ड रहती है हेयर से, यानी कि रोम से, रोम से क्या होती है, बॉडी पूरी तरह कवर रहती है। और मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, पूर्ण रूपांतरण होता है, यानी कि लाइफ साइकिल के अंदर कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेजेज होती हैं, 4 अवस्थाएं जो है इसकी लाइफ में होती है। फिर देखिए ये डायग्राम, इससे आपको बड़ा बड़ा पता लग जाएगा। देखिए ये है इसकी एडल्ट फीमेल और ये होता है मेल, ठीक है। अब इसके बाद एग्स की बात करें तो जो मलबरी प्लांट जो होता है ना, तो उसकी लीफ होती है, लीफ के ऊपर इसकी एग लेइंग दी जाती है, और एग लेइंग किस में होती है, ग्रुप में होती है, ग्रुप में होती है, लगभग एक साथ जो है 300 से 400 तक एग्स जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है, सहतूत की जो पत्ती होती है उसके ऊपर। इसके बाद एग से जो लार्वा निकलता है या कैटरपिलर निकलता है वो देखिए इस टाइप का होता है, ये इसका हेड है, ये थोरेसिक लेग होती है 1, 2 और 3, यानी कि थोरेक्स जो होता है, थोरेक्स के तीनों पार्ट्स जो होते हैं, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स और जो है मेटाथोरेक्स, तीनों में क्या होते हैं, एक पेयर जो क्या होता है, लेग्स होती है। इसके अलावा जो एब्डोमन होता है, एब्डोमन के अंदर इसमें क्या होता है, 4 पेयर लेग्स होती है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी कि 4 जोड़ी जो टांगे हैं वो एब्डोमन के अंदर पाई जाती है, जो कि क्या है, बाद में जैसे ही रूपांतरण होता है इसका, प्यूपा में कन्वर्ट होता है, उस समय एडल्ट में होता है जो ये गायब हो जाती है, इसलिए इनको क्या है, स्यूडो लेग्स बोलते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो लेग्स बोलते हैं, क्योंकि आभासी होती है, ये क्या होती है, बाद में एडल्ट में दिखाई नहीं देती है। ये कौन कौन से सेगमेंट में होती है, ये होती है एक तो 3rd से लेके 6th सेगमेंट तक एब्डोमन का, 3 to 6 सेगमेंट जो होता है, प्लस लास्ट जो 10th सेगमेंट होता है, इनके अंदर क्या है, एब्डोमिनल लेग्स पाई जाती है 4 पेयर।
और ये साइड में आप देख सकते हो लेटरल साइड में क्या होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, प्लस इसका जो एर्थ सेगमेंट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आठवां जो सेगमेंट होता है इसके ऊपर क्या पाया जाता है, डोर्सल हॉर्न या डोर्सल स्पाइन बोलते हैं, ये पाया जाता है जो पीछे की तरफ क्या रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, ये इसका क्या है, प्यूपा है, जिसके बाहर ये क्या है, कोकून बना लेता है। ये कोकून किसका होता है, रेशम के धागों का होता है। ये कोकून अगर इसको हम समय पे क्या करते हैं, नहीं जो है निकालते इसको किल करके, तो फिर बाद में क्या होता है, इस प्रकार से इसको काट के कोकून को, और फिर एडल्ट जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसका जनरल लाइफ साइकिल है। फिर देखिए एग की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि जो मलबरी प्लांट है, मलबरी प्लांट जो होता है सहतूत, सहतूत की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर इसकी एग लेइंग होती है ऑन लीव्स इन ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको बताया 300 से 400 तक क्या है इसकी एग लेइंग होती है। इसके बाद और ये एग लेइंग जो होती है वो कब होती है, नाइट के समय, रात्रि के समय होती है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो एग कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, येलोइश कलर लिए हुए, और जो कि मैच्योरिटी के समय कैसे हो जाते हैं, ब्राउनिश ब्लैक कलर के, यानी कि भूरे काले रंग के हो जाते हैं। स्टार्टिंग में वाइट होते हैं, बाद में ये चेंज होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर के हो जाते हैं। फिर देखिए हैचिंग पीरियड की बात करें, हैचिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, यानी कि एग को तोड़ के उसमें से कैटरपिलर कितने दिनों में बाहर बाद आते हैं उसकी बात करते हैं, तो हैचिंग पीरियड जो होता है इसमें वो होता है 10 to 12 days, यानी कि 10 से 12 दिन बाद क्या होता है, इन एग से क्या होता है, जो कैटरपिलर होता है वो बाहर निकल के आता है। अगर अब इसके लाइफ साइकिल की बात करें यानी कि टाइम पीरियड की, तो समर सीजन के अंदर यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसमें लगभग 30 डेज बाद क्या होता है, एग से कैटरपिलर बाहर आ जाता है, जबकि विंटर सीजन जो जो होता है उसके अंदर क्या है, विंटर सीजन के अंदर 30 डेज लगते हैं सॉरी, और ग्रीष्म ऋतु जो होती है उसके अंदर क्या लगते हैं, 10 से 12 दिन लगते हैं। और ये टाइम पीरियड जो है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, टाइम पीरियड ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। मान लीजिए टेम्परेचर और कम हो गया या लंबे ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो उस दौरान क्या होता है कि हो सकता है और ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर क्या होता है अगर ज़्यादा समय तक ठंड रहती है तो इससे क्या होता है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं, सुप्तावस्था में चले जाते हैं। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा जो लाइफ साइकिल है, पूरा जो एक साल होता है, वन ईयर के अंदर सिर्फ इसकी एक ही जनरेशन जो है वो पूरी हो पाती है, ओनली वन जनरेशन, ठीक है। और जब इसके क्या है, दो टाइप का लाइफ साइकिल होता है, अगर मान लीजिए इसकी एक साल के अंदर सिर्फ एक जनरेशन होती है तो इसको बोलते हैं यूनिवोल्टाइन। ये टर्म याद रखना, ये टर्म पूछी जाती है एग्जाम में, यूनिवोल्टाइन का मतलब क्या है, इसकी एक साल के अंदर एक ही जनरेशन पाई जाती है, और मल्टीवोल्टाइन का मतलब क्या होता है, और इसका मतलब क्या है, इसमें 2 to 7 जनरेशन, 2 से 7 जो है वो जनरेशन पाई जाती है। और ये मोस्टली कहाँ होती है, इंडिया में मल्टीवोल्टाइन इसकी स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। प्लस अगर मान लीजिए ये तो बात होगी एक की, ये 2 से 7 की है ना, 2 से ज़्यादा यानी कि 3 से 7, अगर 2 जनरेशन हो तो उसको क्या बोल देते हैं, बाईवोल्टाइन, है ना, बाईवोल्टाइन, लेकिन यही पूछा जाता है मेनली। तो ये इसकी एग की बात होगी। अब देखिए बात करते हैं इसकी कैटरपिलर स्टेज की, जो लार्वल जो अवस्था होती है, लार्वा स्टेज जो होती है, देखिए हैचिंग के बाद इसमें से जो लार्वा बाहर निकल के आता है कैटरपिलर, उसका साइज़ होता है 3 mm, बहुत छोटा साइज होता है 3 mm के आसपास, जो कि क्या होता है, ग्रे कलर का होता है, स्लेटी रंग का, ठीक है, ग्रे कलर का होता है। और इसके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, बाइटिंग और चेविंग टाइप के, यानी कि काटने और चबाने वाले। और एडल्ट के अंदर जो है ये माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है, वो 2 से 7 दिन के अंदर, विद इन ए वीक क्या हो जाता है, किल हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है। तो काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं, जिससे ये क्या है, जो मलबरी का प्लांट जो होता है, सहतूत का पौधा, उसके ऊपर हम जब इसकी रेयरिंग करते हैं तो ये उसके लीव्स को खाता रहता है। और ये अपने जो है लाइफ की अगर बात करें तो इसके साइकिल से पता नहीं कितने गुना, 30,000 लगभग इतने गुना तक क्या है, ये लीव्स को जो है वो फीड कर जाता है। लेग्स का मैंने आपको बता दिया, 3 थोरेसिक लेग्स होती है ना, थोरेक्स पे 3 लेग्स होती है, और 5 एब्डोमिनल लेग्स होती है, 1 to 3 to 6 segment और 1 होती है 10th segment पे, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला, है ना, 3 to 6 और 1
टेंथ सेगमेंट पे होती है, और थ्री जो क्या होती है थोरेसिक लेग्स होती है। फिर देखिए डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड कौन सी होती है, ये ऊपर वाली। ऊपर वाली क्या होती है डोर्सल साइड, ये क्या होती है नीचे वाली वेंट्रल साइड, और दोनों जो साइड में होती है उसको क्या बोलते हैं लेटरल साइड, ये मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार। तो डोर्सल साइड पे क्या होता है एट्थ सेगमेंट जो होता है उस पर क्या पाया जाता है डोर्सल स्पाइन ऑन एट्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, यानी कि उधर का जो आठवां खंड होता है उसके ऊपर की ओर क्या पाया जाता है एक स्पाइन पाई जाती है डोर्सल स्पाइन, या इसको फिर जो है डोर्सल हॉर्न भी बोल देते हैं। फिर देखिए इसके बाद ये जो क्या रहता है पीछे की तरफ इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है, इसमें देखिए डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको। फिर देखिए ये क्या करता है फीडिंग स्टार्ट करता है मलबरी लीव्स पे, यानी कि जो सहतूत का पौधा है, अपने सिर्फ सहतूत की बात करेंगे यहाँ पे, वैसे इसको अलग अलग जो है स्पीसीज़ के आधार पे अलग अलग में पाया जाता है, ये अलग अलग जो है प्लांट्स पे पाया जाता है, हम बात कर रहे हैं मलबरी लीव्स की। ठीक है फर्स्ट मोल्ट जो होता है वो 4 से 5 दिन बाद में होता है। ठीक है टोटल जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं जो है 4 मोल्ट होते हैं। अब मोल्ट और इंस्टार में क्या होता है, देखिए फर्स्ट मोल्ट होगा इसके बाद क्या होगा जो है फर्स्ट इंस्टार का लार्वा निकल के बाहर आएगा, सेकंड इंस्टार का सेकंड होगा तो थर्ड इंस्टार का, क्योंकि फर्स्ट इंस्टार का तो एक से निकल के ही आता है। इस प्रकार क्या है 4 मोल्ट होते हैं, और 4 मोल्ट होने के बाद मोल्टिंग होती है लगभग 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन के बाद में। तो ये जैसे जैसे मोल्टिंग होगी इसका साइज बढ़ता जाता है, और फोर्थ मोल्टिंग होने के बाद यानी कि जो 5th इंस्टार का लार्वा होता है उसकी साइज क्या हो जाती है 75 mm। अब देखिए आप इसकी साइज़ क्या होगी 75 mm, और स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये 3 mm से, यानी कि 3 mm सबसे छोटा इसका साइज होता है। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मोल्टिंग होती है साइज बढ़ता जाता है। टोटल लार्वल पीरियड जो होता है वो 30-35 डेज होता है, ये मैंने आपको बताया। ये क्या है चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो 5th इंस्टार का जो लार्वा होगा फाइनल 4 मोल्ट होने के बाद ये क्या करता है कोकून बनाना स्टार्ट कर देता है, या फिर बात करें सिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, सिल्क का प्रोडक्शन ये स्टार्ट कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट है प्यूपा अवस्था इसकी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। तो प्यूपा अगर इसकी बात करें तो इसका साइज़ होता है 2.5 सेंटीमीटर तक तो इसकी होती है लेंथ, ठीक है, और 7 सेंटीमीटर होती है इसकी विड्थ। ठीक है कलर की बात करें तो लाल भूरा यानी कि रेड ब्राउन जो है इसका कलर होता है, लाल भूरा ये इसका रंग होता है। अब ये तो होगी प्यूपा की बात जो इसके अंदर होता है। ये कोकून, क्योंकि ये क्या करता है अपने चारों ओर कोकून बनाता है, रेशमी धागों से कवर रखता है बॉडी को, तो ये कोकून जो बनता है इसकी साइज़ क्या होती है 38 mm × 19 mm, यानी कि 38 mm तक तो इसकी लेंथ होती है और विड्थ होती है 19 mm तक। ठीक है कलर की बात करें तो वाइट और येलो, यानी कि सफ़ेद या फिर येलो जो है वो कलर होता है, और एक सिंगल धागे से जो है ये बना होता है, सिंगल धागे से बना होता है, यानी कि पूरा जो कोकून होगा ये क्या है एक सिर्फ एक ही थ्रेड होता है जो पूरी तरीके से इसको कवर करके बनाया गया है, इसमें कहीं भी क्या है टुकड़े नहीं होते हैं, सिंगल थ्रेड होता है। और इसकी जो रेट होती है यानी कि धागा बुनने की जो रेट होती है, रेशम कीट अपने चारों तरफ जो धागा बुनता है वो लगभग 15 cm/min होती है, यानी कि 1 मिनट के अंदर लगभग 15 cm तक ये जो धागा है ये बना देता है। इस प्रकार क्या है 3 से 4 दिन के अंदर ये लगभग 1000 मीटर जो है धागा थ्रेड जो है उसको बना देता है, और अपने चारों ओर क्या रखता है कवर रखता है। टोटल प्यूपल पीरियड की बात करें तो ये 10 से 15 दिन का होता है। ठीक है इसके बाद क्या होगा अगर हमने इस दौरान इसको किल नहीं किया, है ना, वैसे तो नॉर्मली क्या करते हैं इसको हॉट वाटर के अंदर यानी कि गर्म पानी के अंदर डाल के इसको किल कर लेते हैं, बाद में क्या है थ्रेडिंग इसको निकाल लेते हैं, थ्रेड जो होता है उसको निकाल लेते हैं। लेकिन या तो हॉट वाटर या फिर क्या है डायरेक्ट इसको सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखते हैं तो क्या होता है प्यूपा जो है वो एक्सपोज हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है। इससे क्या होगा कि प्यूपा जब मर जाएगा तो इससे एडल्ट बाहर नहीं आएगा, फिर उसको क्या है हम रीलिंग के काम लेते हैं। रीलिंग क्या होता है इसको धागे को अलग करना, तो ये इसका पूरा लाइफ साइकिल होता है। अगर इसको इस दौरान किल नहीं करते तो फिर क्या होता है इससे
एडल्ट बाहर आ जाता है, प्रौढ़ कीट बाहर आ जाता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है स्टार्टिंग में, है ना। ये एडल्ट की जो है क्वालिटीज़ हैं। फिर देखिए एक डायग्राम और है, इससे आपको समझ में आ जाएगा पूरा इसका लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले देखिए, ये है इसका मेल और ये फीमेल, ठीक है। इसका साइज जो है वो छोटा होता है फीमेल से, मैंने बता दिया। इसकी एंटीना जो है ना, एंटीनी जो होती है वो मेल की क्या होती है, लार्ज होती है अकॉर्डिंग टू फीमेल, यानी कि कंपैरिजन अगर करें फीमेल के साथ तो फीमेल से इसकी जो है एंटीना बड़ी होती है। और साइज का कौन से टाइप की होती है, ये बाईपेक्टिनेट, ये तो हमने अभी बात की थी, बाईपेक्टिनेट टाइप की क्या होती है, एंटीना होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर ये एग लेइंग करेगा तो स्टार्टिंग में वो वाइट या येलोइश कलर का होता है, बाद में क्या होता है धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, ग्रे कलर में बदल जाता है जैसे जैसे वो फर्टाइल होता है। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये एग लेइंग होगी, एग लेइंग होने के बाद ये हो गया, एग कन्वर्ट हो गया, फिर इससे हैचिंग के बाद क्या निकलेगा, लार्वा बाहर निकलेगा। ये लार्वा बाहर निकलने के बाद क्या होता है, ब्राउन कलर का और हेरी, यानी कि इसके शरीर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। फिर देखिए फर्स्ट इंस्टार का वॉर्म निकल के आएगा, इससे 3 से 4 दिन बाद इसमें फर्स्ट मोल्ट होगा, तो क्या होगा, सेकेंड इंस्टार का जो है लार्वा निकल के आएगा। फिर इससे 2 से 3 दिन बाद फिर सेकेंड मोल्ट होगी, थर्ड इंस्टार का जो है कैटरपिलर निकल के आएगा। फिर इससे 3 से 4 दिन बाद थर्ड मोल्टिंग होगी, तो फिर क्या होगा, ये फोर्थ इंस्टार का लार्वा निकल गया। और इसके बाद फाइनली क्या होगा, 3 से 4 दिन बाद जब फोर्थ मोल्टिंग होती है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ इंस्टार का लास्ट लार्वा निकल के आता है, फिफ्थ इंस्टार का लार्वा निकल के आता है, जिसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इस दौरान ये क्या है, स्पाइनिंग स्टार्ट कर देता है, स्टार्ट स्पाइनिंग यानी कि धागा बुनना स्टार्ट कर देता है, जो रेशम होता है सिल्क जो होता है उसको बुनना स्टार्ट कर देता है। तो इस दौरान ये क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ क्या है, रेशम का धागा बुनना स्टार्ट कर देता है। और ये धागा जो है ये बाहर से अंदर की साइड इस प्रकार से बुना जाता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे पूरी तरह ये बॉडी को कवर कर लेता है और इस प्रकार जो है आपको एक कॉटन बॉल की तरह ये दिखाई देता है, ठीक है। फिर इस दौरान अगर इसको हमें यूज़ लेना है तो हम क्या करते हैं, इसको हॉट वाटर के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया था, हॉट वाटर के अंदर इसको डाल के किल कर देते हैं, फिर इसको स्पाइन कर लेते हैं, रीलिंग करके इसको अलग कर लेते हैं। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो थोड़े दिन बाद में क्या होता है, लगभग 1 वीक बाद में फिर ये इसको काट के बाहर निकल जाता है, इसको कट करके, और फिर क्या है, इससे एडल्ट्स जो है वो बाहर निकलते हैं। तो इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है बॉम्बिक्स मोराई का, ओके, थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगी अपनी, उसके अंदर हम इसके बारे में आगे डिटेल में और स्टडी करेंगे कि कैसे इसकी रेयरिंग होती है, कैसे नहीं, ओके, थैंक यू।